देवरी कला, मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर हर्ष यादव ने खुद रक्तदान कर शिविर का उद्घाटन किया। कांग्रेस का दावा है रक्तदान हुआ है जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है। देवरी सामुदायिक केंद्र अस्पताल में रक्तदान शिविर के लिए खास व्यवस्था की गई थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के दीर्घायु होने की प्रार्थना की गई। इसके बाद मंत्री हर्ष यादव ने खुद रक्तदान किया। कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सेवा सप्ताह चला रहे हैं, लेकिन हमने खुद रक्तदान किया है ताकि किसी जरूरतमंद को रक्त काम आ सके। कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन मानने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का जन्म सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। संवाददाता अमित राजपूत, देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जान की बाजी भी लगाना पड़ती है, खत्म भी हो जाते हैं, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस तरह का आयोजन हमारे मुखिया के जन्मदिन पर हर वर्ष हम लोग करते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए गर्मी सर्दी के मौसम में वस्त्र वितरण किए हैं। वो दिव्यांग बच्चे जो कहीं ना कहीं प्रकृति की मार की वजह से कहीं ना कहीं वो दिव्यांग है, उनके उन्होंने बच्चों का ने अपने उत्साह के साथ कमलनाथ जी का केक काट कर जन्मदिन मनाया है। हमारे बुजुर्ग लोगों ने भी उसमें सहभागिता की थी, उसमें हम लोगों ने उनको साल और सी कल्चर का सम्मान भी किया। साथ ही आज 74 वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया गया है। इसके साथ ही नृत्य शिविर का भी आयोजन हमारी विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से जन जन के नेता के लिए इस पर से यही कामना करना चाहता हूं कि वो दीर्घायु हो और हम लोगों के ऊपर मतभेद की सरकार के मुखिया की हैसियत से जिस हिसाब से वो मतभेद की जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं उनको ताकत दे, हिम्मत दे और उनका एक सुदीर्घ आयु की हम लोग सब कामना करते हैं। इस पर उन पर कृपा बनाए रहे, हम लोगों के ऊपर सबकी कृपा बनी रहे, उनकी इसी कामना के साथ बहुत बहुत बधाई।